और वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं आपका होस्ट जसप्रीत बुमराह और मेरे साथ मौजूद हैं हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा। क्या हाल है आप लोगों के? वर्ल्ड कप खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद दुनियाई क्रिकेट अपनी यूजुअल रूटीन में पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मुकाबला इस साल का कौन सा, आई थिंक 178th मैच शुरू हुआ एक T20 सीरीज के रूप में। उसके अलावा श्रीलंका के बोर्ड ने अपने ही खिलाफ कू कर दिया और पाकिस्तान ने अपनी जो हर वर्ल्ड कप के बाद रूटीन होती है वो शुरू कर दी, जिसका मतलब यही था कि कप्तान, सेलेक्टर, कोच, पीसीबी के चौकीदार, सब कुछ बदल दिया गया है। ये अलग बात है कि कानूनी तौर पे जो हालिया पीसीबी की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास ये हक नहीं है कि किसी को वो नौकरी से निकालें, मगर कानून शानून पे टेंशन कौन लेता है। आहत, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फिर से एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं, कुछ नया मिला है हमें इस रोने धोने में? अब तो आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया का अभी रीसेंट मैचेस देखें तो 2-1 हो गया ऑस्ट्रेलिया। हाँ। दो मैचेस इंडिया ने, दो मैचेस जीत लिए, टू, तो ये एक अच्छी बात है इंडियन फैंस के लिए। इंडियन फैंस को लग रहा है कि अब वो फिर से चैंपियन हो गए। अरिया, बाबर आजम के शायकीन का क्या हाल है, वो कितना नाराज हैं और जो क्या कहते हैं शानायंस, शानियाइट्स, शान के जो फैंस के रूप है और शाहीनिया, आई एक्चुअली डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड। मैं तो बॉब्सी द किंग फैन क्लब की मेंबर हूँ ना, तो मैं तो उनके बिहाफ पे बोल सकती हूँ। बिल्कुल, बताइए बताइए दुख की दास्तान। दुख की दास्तान ये, यू नो, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के जो आपका एक ग्लो अप आता है, उसमें बाबर ने नई गाड़ी ले ली है, तो हमें तो उस चीज़ की बहुत खुशी है। अब देखिए कैप्टनसी कितने लोगों के पास है, टार्जन किसके साथ। लेकिन अभी ये भी तो हुआ है कि इतने टाइम में मुझे हर चीज़ पता चल गई ट्विटर से कि वो किसकी शादी में गया है, बॉब्सी द किंग, बॉबी ने क्या खाना खाया है, बॉबी नाश्ते में क्या खाता है, बॉबी खाने में क्या खाता है, उसे कौन सी गाड़ी ली है, ये एक कहाँ जा। बात पे मैं आप दोनों बड़े बड़े खुल के आप यहाँ बात कर रहे हैं और हम लोग एक बड़े रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है। क्या बाबर आजम ने नई गाड़ी खरीदी है या बाबर आजम ने नई गाड़ी के साथ तस्वीर खिंचवाई? क्योंकि ये हमें कैसे पता कि उसकी गाड़ी है? वो तो हर लौंडा जाके फेसबुक पे लगाता है दुबई में गाड़ी के साथ तस्वीर और नहीं कहता है लव, जस्ट लव ड्राइविंग माय न्यू। हर लौंडा बॉब्सी द किंग नहीं होता भाई, मतलब एक बार बताओ इनकी बात, हर लौंडा बॉब्सी द किंग नहीं होता, मगर बॉब्सी द किंग तो लौंडा है ना। लेकिन आपकी बात में वैसे दम पता है क्यों है भाई? ये वाली जो पिक्चर है एग्जैक्टली मैं देख चुका हूँ शायद पहले, बिल्कुल फिल नहीं रही है, सर्च करी कुछ की, बट वो निकाल के मैं ट्वीट करूंगा तो भाई जब तक लैम्बोर्गिनी की नंबर प्लेट पे ना लिखा हो बॉब्सी, हम कैसे बाने भाई कि किसकी गाड़ी है यार। मतलब ठीक, ये ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा कि बॉब्सी नहीं खरीद सकता, मगर ये भी तो याद रखें कि ये पाकिस्तान में चल रही है लैम्बोर्गिनी, तो वो क्यों लेगा वो कुछ। लेकिन ये फिर ये भी है कि ज्यादा और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अगर, क्योंकि फिर दिन में तो बॉबी चला रहा होगा, रात में अजय देवगन चला रहा होगा, तो बड़ा मसला इसका। और उसके अलावा जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपके दोस्त, भाई, कजन सब कहते हैं यार थोड़ी देर तो हमें भी चलाने दे। अगर आपके कजन अकमल ब्रादरान है तो क्या आपको ऐसी गाड़ी खरीदनी चाहिए? अब तो सबका व्लॉग आने वाला होगा गाड़ी के साथ। नहीं, लेकिन माय कजन बॉट दिस न्यू कार। जो कजन आपको जूते नहीं देता आप उसको अपनी गाड़ी दोगे? देखिए जूते के अलावा तो उन्होंने काफी कुछ दे दिया है, मगर एक और बहुत बहुत बड़ी खबर खेलों की दुनिया में आई पिछले 10-15 साल में। खेलों में यही एक बड़ा जो अहम सवाल है कि भाई या तो दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी लियोनेल मेसी है, और खास तौर पे उन्होंने जब अभी वर्ल्ड कप जीता तो सब लोग ही कह रहे थे कि हाँ भाई मेसी ग्रेटेस्ट है, और दूसरी तरफ कुछ लोगों की नज़र में मेसी की बराबर का प्लेयर, कुछ लोगों की नज़र में मेसी से कई गुना ज़्यादा बेहतर प्लेयर, एक एक लेजेंड, एक आइकॉन, ऑफकोर्स मैं बात कर रहा हूँ इमाद वसीम की। तो इमाद वसीम ने हाल ही में क्या कहते हैं रिटायरमेंट अनाउंस किए बैन अल-अक़वामी क्रिकेट से। आहद, एक मीमर होने की बदौलत आपकी नज़र में इमाद की सबसे आइकॉनिक और मशहूर मीम्स कौन सी रही हैं? आपको अगर याद हो तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जो इमाद का हेयर स्टाइल था, उस पर जितनी मीम्स आई थी मेरा नहीं ख्याल कि किसी और के हेयर स्टाइल पे इतनी मीम्स आ चुकी थी। बिल्कुल, तो वो तो मेरे ख्याल से सबसे टॉप पर है। मेरे ख्याल में इसको बीट करती है एक इमाद वसीम जी, अफगान जलेबी। आई वुड से कि अब उस वो इंसिडेंट में वो मैं इसीलिए वहां पे नहीं जा रहा, वो इंसिडेंट में जो है आई थिंक एक तो ये है कि आपने गाना चुना अफगान जलेबी, मैं थोड़ा ज्यादा बर्गर हूँ तो मैं उनके एड शीरन
का जो उन्होंने कवर किया था वो भी काफी यादगार वो रहा कवर है। हमें मिल नहीं सका, आपने काफी ढूंढने की कोशिश की तो आहत के पास सेव हुआ हुआ है, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ। एक फोल्डर है न्यू डॉट वेस्ट डॉट उसके अंदर आहत ने बचा के रखा हुआ है, तो आप इन बातों पे उनकी ना माने। मगर इमादियंस की जो फैन बेस है क्या अभी भी, मतलब देखिए मैं तो इतना सोशल मीडिया नहीं यूज़ करता, मगर मुझे याद है एक ज़माना था कि जिस तरीके से करांची की सड़कों पे मोबाइल स्नैचर्स थे, उसी पे ट्विटर की सड़कों पे इमादियंस भी थे। सिर्फ इमादियंस नहीं, उसके अलावा शहजादियंस भी थे, और ये वो वाला दौर था कि ये तो अभी बॉब्जी द किंग और शाइनियंस या व्हाटएवर जो भी नाम है अभी तो इनके, मतलब अच्छे नाम भी नहीं है यार, इनके अच्छे नाम भी नहीं। हाँ इमादियंस और शहजादियंस आप देखे ना, यू आ रहा है, यू लग रहा है आके। और शहजादियंस क्यों था, शहजादियंस क्यों नहीं था, ये आज तक कभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। नहीं वो शहजादियंस वो बीच में कहीं कहीं डाल देते, शहजादियंस की शहजादी, ढीठ शहजादियन, तो इस तरह के अकाउंट से काफी, अब वो फैन बेस उस तरह की नहीं रही। मतलब जैसे देखिए ना, अब क्या होता है कि अब ना रील्स बहुत ज्यादा आने लगी हैं, तो अब रील्स पे दिखा देते हैं, अब अपने ऊपर से जरा काम अपना। वो वाली आर्मी बड़ी स्ट्रांग थी, वो इमादियंस वाली ना, वो हर एक के ट्विटर पे जाके वो सबको रिप्लाई करते थे, जो अच्छा अच्छी बात करता था उसको भी रिप्लाई करते थे, जो बुरी बात करता था उसकी, तो वो उस फैन बेस को भी हम मिस करेंगे। आप एक एंटी बाबा ट्वीट डालें, मैं आपसे रात तक पूछूंगी 12 घंटे में कितनी इंटरेक्शंस थी। आपने वो टाइम नहीं देखा ना असल में, मैं ये कह रहा हूँ कि चले नहीं, मगर देखिए अभी आपके आपकी ब्रांडिंग इतनी खराब है, क्या नाम है, बारबेरियंस, बारबेरियंस क्या आपके फैन ग्रुप का, हमारे फैन क्लब को हसन अली ने नाम दिया है ना, बॉब जी द किंग फैन क्लब, बॉब जी द किंग एफसी। अच्छा तो ये इमाद वसीम की रिटायरमेंट की एक वजह ये भी सुनी जा रही है कि पीसीबी ने एनओसी नहीं दे रहे फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने का, ये कितनी सही बात है कि जो हमारे अब हाल ही में जो नए सेलेक्टर और डायरेक्टर क्रिकेट आए मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज, ये खुद तो अपनी सारी लीगों में खेलते रहे, T10, T5, मोहल्ला लीग, मदरसा लीग, तो अब ये प्लेयर्स को क्यों नहीं एनओसी दे रहे? आप तो लीग की बात कर रहे हैं, इनमें से ये जो आपने नाम लिया ये तो मिनिस्टर भी हैं, ये जी हाँ इनको एनओसी मिली भी हर चीज, ये लीग भी खेल रहे हैं, फिर ये कोई और ऑफिस भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो ये हालात चल रहे हैं। हफीज के सो ग्रोइंग अप जो मुझे हफीज के बारे में पता चलता था वो ये होता था कि वो बच्चा नहीं होता गली का कि बल्ला मेरा, तो पहले बॉलिंग भी मेरी, पहले बैटिंग भी मेरी, कैप्टन भी मैं, और जब मेरी मम्मा ने घर बुला लिया तो मैच खत्म। खैर हमने आपसे भी पूछा कि आपकी क्या राय है बाबर आजम की कप्तानी छूटने पे, उनके बारे में उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, तो लोगों से हमने ये सवाल पूछा और ट्विटर पे हमें काफ़ी लोगों ने जवाब दिया। नूरीना शम्स जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्क्वाश प्लेयर हैं, उन्होंने जवाब में ये बोला है कि उसके ऊपर कम जिम्मेदारी होगी, बेहतर कम परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होगी, ही विल हैव मोर फोकस एंड अ ब्रिलियंट सीजन। और फिर पूछती हैं बाय द वे विच शो इज़ दिस, तो नूरीना बैक बेंचर्स के नाम से है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। उमेर महमूद कहते हैं कि बाबर आजम नीडेड अ ब्रेक, दिस सबैटिकल माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, हाउएवर वी ऑल नो ही विल बी कैप्टन अगेन, कीपिंग इन योर लव अफेयर विद इनकंसिस्टेंसीज ही विल एंड अप हैविंग मल्टीपल कैप्टनसी स्टिंट्स लाइक द ग्रेट वसीम अकरम। आप इस आसरे पे चल रही हैं कि फिर से आएगा, ओके ठीक ग्रेट, देयर इज नो फितना टू वरी अबाउट। फरहान ख्वाजा कहते हैं आई थिंक देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग अदर ऑप्शंस, बाबर ऑलरेडी गॉट एक्सटेंडेड रन, fresh approach may give new captain success which this team actually deserves. Serial procrastinator, Babar's bowlers did not support him at all during the World Cup. Kisi bhi bowler se even 6 ball ek good line length pe nahi hui. As a result, Babar looked out to be even more weaker captain than normal. Yahan tak kehne ke baad phir kehte hain, having said that, I think yes, removing him from this was the right call. Saare balli bhi dal dete hain bowler pe, par tum ye bhi keh rahe ho. Ali Tariq कहते हैं not sure why Babar losing his captaincy is being made into such a big deal. Ali Tariq की मैं आपके ग्रुप को दे दूंगा इनका नाम और पता, आप इनको ये जरा लिंक भेज दिए रात में, ये 100 कम से कम 100 ट्वीट्स होने चाहिए इसके लिए, या Ali Tariq ने अगर कल अकाउंट कल डीएक्टिव हो जाए Ali Tariq का, इसकी भी प्रेस रिलीज आएगी अपोलॉजी लेटर। अच्छा हम असली में नहीं कह रहे भाई, Ali Tariq को लोग तंग नहीं करें, हमें ऐसे फॉलोअर्स चाहिए अभी तो। कहते Ali Tariq his reign was average at best, it was taking a visible toll on his batting performance, good riddance for the team and most importantly on him. Acha to end mein insurance hi le liye ki yaar uske liye bhi behtar yahi hai, theek hai Ali Tariq hum dekh rahe hain. Bilal Siddiqui, it was inevitable after the past few months, not completely sold on either replacement but happy to be proven wrong. Meri favorite tweet hai @quest of pain ki taraf se
यहीं पे ये जीत चुके थे, मगर ट्वीट में कहते हैं कि डिड बाबर डिजर्व टू बी रिमूव्ड, नो इट वाज कराची साजिश. तो दिल को ठंडक मिली है, साजिश हो या ना हो लोगों को ये लग रहा है, हमारे लिए फख्र की बात है. और आखिर में कैश हुसैन कहते हैं कि ही स्ट्रेटेजिकली एंड टैक्टिकली रादर वीक एज अ कैप्टन, doesn't take away his batting abilities. तो ज़्यादातर जो यार मैंने गलत ट्वीट्स पढ़ी हैं या ज़्यादातर ये लग रहा है कि लोग कह रहे हैं हाँ यार जाने दो आहद और अरिया तो हमें पता है ठीक है आप अपनी वो बताइएगा एजेंडा किस तरीके से वापस लाना है बाबर को. आहद कराची साजिश को साइड पर रखते हुए बाबर के साथ सही हुआ और अगले दो कप्तानों पर आपकी क्या राय? हमारा कराची वाला एजेंडा तो आधा तो पूरा हो गया है. अब एक T20 का भी कैप्टन बनाना है किसको, कराची वाला, तो वो उस पर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. वर्ल्ड कप में भी टाइम है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. शाहीन कराची का दामाद है, शाहीन कराची का दामाद बिल्कुल, बट वो फिर भी वो इनडायरेक्ट है ना, हम जरा डायरेक्ट अप्रोच के ऊपर ऐसे नहीं हम काम करते, हम कहते हैं कि डायरेक्ट हमारा कैप्टन ही हमारा होना चाहिए. तो शान मसूद के साथ लोग कह रहे हैं कि देखो उसे कप्तान बना दिए, वो मेरे ख्याल में शान मसूद के साथ गेम की गई है क्योंकि आने वाला टूर जो है वो आपको पता है दोजख के शहजादों के साथ पाकिस्तान टीम खेलेगी. वो तो अच्छा हुआ है. हाँ, एज अ बाबर बॉब्जी फैन क्लब मेंबर मैं कहती हूँ अच्छा हुआ है. वही होगा कि पाकिस्तान मतलब के वो कोई 1800 रन बनाएंगे, हम 15 और 14 बनाएंगे जिसमें से 3 चौके बाबर ने मार देंगे और सबके टिकटॉक्स लग रहे होंगे अमेजिंग 3 बाउंड्रीज 700 for 1 लोग बात कर रहे हैं कि इस तरह का कोई स्कोर होगा. मतलब कि ये वो है ना कि शान के साथ ये किया कि आप डायरेक्ट एक्सपर्ट डिफिकल्टी पे ही खिला दे एक बंदे को और फिर जब कोई आसान टूर हो तो हारिस सुहेल जैसे प्लेयर्स आके शान और जो लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं क्योंकि मतलब ये भी है ना कि ऐसा नहीं है कि हम उनकी तनकीद कर रहे हैं. इनफैक्ट पिछले 20-30 सालों में पाकिस्तान के बेहतरीन से बेहतरीन लोग भी गए तो वहाँ उनका कोई सीन नहीं है. तो शान आप लोग को मैं क्या बोल सकते हैं, हम लोग दुआएं दे सकते हैं. वेल मैं तो दे रहा हूँ बॉब्जी फैन क्लब के लिए तो ये इनकी जो एजेंडा था, इनकी जो साजिश थी वो पूरी हो चुकी है और वैसे भी आहद भी कराची वालों को प्रिपेयर कर रहे हैं कप्तानी के लिए. बट ये था एक और अहम चीज़, पाकिस्तान क्रिकेट की तो हमने बात कर ली मगर ये मेंटालिटी जो इस अगली खबर की उसमें पाकिस्तानी सोच ही है. मिचेल मार्श पे FIR दर्ज हो चुकी है, थोड़ा आप हमें समझाएंगे क्यों FIR दर्ज हुई? पता नहीं ऐसा क्या हो गया, क्या हमने पिछली बार भी बात की थी कि इतना ऑफेंड होने की वाली क्या बात है. जो फीफा वर्ल्ड कप वाली बहुत ही एक नाजेबा किस्म की जो एक ट्रॉफी सेलिब्रेशन थी उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं था. मैं तो चाहता हूँ कि अब कोई और अगर ट्रॉफी जीते, इंडिया से फाइनल जीते, वो इस तरह की कोई सेलिब्रेशन करे तो फिर मजा आएगा, फिर देखते कितनी FIR. मेरी नज़र में ये इनफैक्ट बड़ा सही किया मिचेल मार्श ने क्योंकि और कोई टीम जीतती तो बेशक उसको सजा के रखती, अपनी पलकों पर बिछा के, बिल्कुल किसी उस पर गंदा निशानी आ जाते. ऑस्ट्रेलिया के पास इतने वर्ल्ड कप है, वो उनकी पैरों के नीचे अकेली औकात है. एक गंदा हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, बाकी तो है. ठीक है, इसमें थोड़ा कीचड़ लग गया, 7-8 टेंशन क्या है, तो आप लोग समझ नहीं रहे. खैर, एक आखिरी खबर हम डालना चाह रहे थे प्रोग्राम में क्रिकेट से हट के और वो है फुटबॉल की. इस हफ्ते प्रीमियर लीग में टॉप ऑफ द टेबल क्लैश हुआ था. टॉप ऑफ द टेबल ना भी हो मगर ये जो सबसे आपके दो फेवरेट्स हैं मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल जिनके दरमियान जो मैच था वो 1-1 पे ख़त्म हो गया. मगर जो ज़्यादा बड़ी खबर है और ये जो सनसनी और टेंशन और कंस्पिरेसी वाली एंगल है वो ये है कि मैनचेस्टर सिटी के ऊपर इंग्लिश फुटबॉल के हुक्मरानों ने काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ केसेस दर्ज किए हैं कि उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, ट्रांसफ़र लिमिट से ज़्यादा खर्च किया एटसेट्रा एटसेट्रा. और अभी एवर्टन ने जिन्होंने उनके साथ काफ़ी कम गुनाह किए थे उनके कोई 10 पॉइंट काटे गए हैं. सुनने में ये आ रहा है कि मैनचेस्टर सिटी के ना ही सिर्फ पॉइंट काटे जाएंगे, उनके रेलिगेट होने का भी चांस है और उनसे उनके पिछले जीते हुए टाइटल भी छीने जा सकते हैं. तो इसका सुन के मेरे दिमाग में यही आया कि ICC वाले भाइयों आप लोग भी कुछ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा कुछ झूठे कि हम भी उनके पुराने सारे कप्स छीन लें, उनको रेलिगेट करके वो वर्ल्ड लीग क्वालिफायर कि वैसे जीत जाएंगे क्वालिफायर में, तब भी उन्हें थका देना वहां तक आते आते. जैसे एक कुछ टाइम पहले हुआ था ना कि हॉक हॉगन के ऊपर कोई रेसिस्ट रिमार्क्स से कोई उसकी वजह से WWE ने हॉक हॉगन के सारे रिकॉर्ड्स ही हटा दिए. तो कुछ ऐसा हो गया ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल
हमारा भी फायदा है इसमें। खैर तो ये था इस हफ्ते का बैक बेंचर्स। अभी आपको स्क्रीन पे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स नजर आ रहे हैं, प्लीज फॉलो अस, यू कैन कैच क्लिप्स ऑफ द शो देयर, अपने तासुरात हमें शेयर कर सकते हैं। हाँ, आप क्या इस शो पे देखना चाहेंगे वो भी हमें ज़रूर बताइए। बट तब तक के लिए इमाद फैन क्लब के सदर, बॉब्जी फैन क्लब के सदर, बॉब्जी द किंग फैन क्लब के सदर और नायब सदर कंगाल कंगाल साहबी फैन क्लब का सदर आपसे इजाजत लेता है अगले हफ्ते के लिए। खुदा हाफिज़।